तमाम किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हम तमाम लोगों का खालिक और मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये जो मजलिस इस मस्जिद के अंदर मुकर्रर की गई है, उसका मकसद ये है कि इस मस्जिद के अंदर जो मकतब और मदरसा चलता है मोहम्मदी अरबी मदरसे के नाम से, उसकी कुछ कारकर्दगी आपके सामने पेश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मदी अरबी मदरसा काफ़ी सालों से इस मस्जिद के अंदर शुरू है और इसके ज़रिए से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से कुरान मजीद की तालीम हासिल की और कुरान मजीद को सीखा, अहदीस को सीखा और कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों को, कुरान मजीद की बहुत सारी सूरतों को हिफ्ज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदरसे के अंदर काफ़ी बच्चे तालीम हासिल करते हैं और बहुत सारे बच्चे इस मदरसे के अंदर हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मजलिस का आगाज़ हम तिलावत कुरान मजीद से करेंगे, जिसके ज़रिए मैं आपको आवाज़ दूंगा उमेर बेग को कि वह आए और तिलावत कुरान मजीद के ज़रिए से इस मजलिस का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله عمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم। के साथ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे मेहमान हैं, बहुत ही खसूसी मेहमान हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, आप जो है कुर्सी पर जलवा अफरोज़ हों। जनाब सैयद नसीम साहब, जज़ाकअल्लाह खैर। ये थे उमेर बेग, जिन्होंने आपके सामने तिलावत कुरान पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद का इल्म हासिल करे और कुरान मजीद को दूसरों को सिखाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हम तमाम लोगों के अंदर वो शख्स सबसे ज़्यादा कीमती है
जो कुरान मजीद को पढ़ता है, कुरान मजीद को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। यानी जो बच्चे, जो वालदैन अपने बच्चों को मदरसों के अंदर भेजते हैं तालीम के लिए, जो भेजते हैं ताकि वो कुरान मजीद का इल्म हासिल करें, वो भेजते हैं ताकि वो हदीस का इल्म हासिल करें और दूसरों तक के पहुँचाए, ऐसे माँ बाप भी अल्लाह की नज़र के अंदर, अल्लाह के वहाँ उनका बहुत बड़ा मुकाम है। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारे बच्चों की तालीम बराबर नहीं हो रही, और वो किस वजह से कि इस दुनिया के अंदर जो बीमारी, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें बंद हो चुकी है, ना स्कूल शुरू है, ना कॉलेजेस शुरू है, ना लोगों के बराबर कारोबार शुरू है, उस वजह से लोग परेशान हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या बनेगा, हमारे बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे। लेकिन आप वहीं यहाँ पर ये देखिए कि इस वक्त का सही इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे बच्चों ने किया, और इसी वक्त का बहुत ख़राब इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे बच्चों ने किया। यही वो लॉकडाउन है जिसमें बहुत सारे मदारिस बंद थे, स्कूलें बंद थी, लेकिन फिर भी वो माँ बाप बहुत खुशनसीब हैं जिनके बच्चों ने इस लॉकडाउन के अंदर तमाम चीज़ें बंद होने के बावजूद भी कुरान मजीद को हिफ्ज किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ों के अंदर भी अल्लाह की किताब को, अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को दीनदार बनाएं। अफसोस इस बात पर होता है कि आज हमारी पूरी मेहनत अपने बच्चों को दुनियादार बनाने के ऊपर शुरू है, कि किस तरह हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन जाए, अच्छे से अच्छे इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए। इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन कब बने? पहले हम दीनदार बने। जब तक कि हम दीनदार नहीं बनेंगे, ये तमाम चीज़ें हमारे कोई काम आने वाली नहीं। अगर एक इंसान दीनदार होगा वो अच्छा डॉक्टर होगा, और अगर एक इंसान दीनदार होगा वो एक अच्छा इंजीनियर होगा, अगर एक इंसान अच्छा दीनदार होगा वो अच्छा बिजनेसमैन होगा। जब तक कि हम अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाएंगे, तब तक हम अच्छे इंसान नहीं हो सकते। ये बच्चे जो आज हमारी नज़रों के सामने बैठे हुए हैं, हमारी औलादें हैं, ये हमारे लिए सदक़ा जारिया है। अगर हम इन्हें कुरान मजीद पढ़ना ना सिखाएं, अगर हम इन्हें नमाज़ों का तरीक़ा ना सिखाएं, अगर हम इन्हें दीन की समझ ना दें, तो हमारे मरने के बाद ये हमारे लिए सदक़ा जारिया नहीं बन सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसके लिए उसकी जो औलाद होती है वो सदक़ा जारिया होती है। अगर वो कुरान मजीद पढ़ता है तो ये सवाब उसके वालिदैन को पहुंचता है, अगर वो तिलावत करता है, अगर वो नमाज पढ़ता है तो उसका भी सवाब उसके वालिदैन को पहुंचता है। तो आज हमें सोचना है कि क्या हम हमारे बच्चों को अच्छे दीनदार बनाकर क्या हम अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को मदारिस के अंदर भेजें, मदरसों के अंदर भेजें, और साथ ही साथ दुनियावी इल्म भी उन्हें सिखाए। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ट्यूशनें लगा रहे हैं, हज़ार हज़ार दो दो हज़ार रुपये महीने की ट्यूशनें लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चों को कुरान मजीद की तिलावत नहीं आती, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता, तो आपकी जो पैसे हैं, आपकी जो आप उन्हें स्कूल की तालीम दे रहे हैं, ये बेकार की तालीम है। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा इल्म कुरान मजीद का इल्म, और सबसे अच्छे वालदैन भी वो है जो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दे। तो इस मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है। इसी के साथ साथ इस पर ज़ोर दिया जाता है कि बच्चों का अकीदा दुरुस्त हो, सुन्नत का इल्म बच्चों को आए, और बच्चे नेक बने, नमाजी बने, और दीन का इल्म हासिल कर दूसरों तक के पहुँचाए। कुछ बच्चे हैं जो आपके सामने अहदीस पेश करेंगे, तकरीर पेश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन,
हमारे बीच में एक और मुअज्जज शख्सियत जनाब सैयद सलीम साहब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर नांदूरा मौजूद हैं। मैं उनको अदब एहतराम के साथ उनसे इल्तमास करूंगा कि आप भी आएं और कुर्सी अपनी जो है जगह संभालें। मैं उनसे अदब एहतराम के साथ कहूंगा कि आप वहां से उठ करके अपनी कुर्सी जो है संभालें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला अता फरमाए। मदरसे के अंदर जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनमें सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा मोहम्मद हारिस शेख रफ़ीक को कि वो आए और हदीस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। मैं आपके सामने एक छोटी सी हदीस पेश करना चाहूँगा, उम्मीद है आप गौर से सुने और इस पर अमल करें। عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ترجمہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी में नकल किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ाकअल्लाह खैर। ये तो मोहम्मद हारिस शेख रफ़ीक जिन्होंने आपके सामने हदीस पेश की। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा मोहम्मद फरहान अब्दुल हक नूरी इस मस्जिद के इमाम साहब के फर्जंद को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। صدر محترم मोहतरम सामेईन, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसका उनवान है अच्छे बच्चों के काम। सुबह सवेरे उठो, माँ बाप को सलाम करो, वज़ू करो, नमाज पढ़ो, कुछ कुरान पढ़ो, फिर नाश्ता करके मदरसे जाओ, वहाँ सबको सलाम करो, अपने उस्तादों की इज्जत करो, खूब जी लगा कर पढ़ो, छुट्टी हो तो सीधे घर आओ, इधर उधर ना फिरो, बुरे बच्चों के साथ ना रहो, खेलने के वक्त खूब खेलो, पढ़ने के वक्त खूब पढ़ो, अल्लाह को वक्त बर्बाद ना करो, अल्लाह को हर हाल में याद रखो। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको अच्छा इंसान बनने की तौफीक अदा फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ाकअल्लाह खैर। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा मोहम्मद उनैस शेख इस्माइल को कि वो आए और हदीस पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौजूदा सामाई निकराम, मैं आपके सामने एक छोटी हदीस पेश करना चाहता हूँ। उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابي رواه مسلم। حضرت ابو امامه الباهلي رضي الله عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا तुम कुरान पढ़ा करो क्योंकि वो कयामत के दिन अपने लोगों का सिफारशी बनकर आएगा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही मुस्लिम में नकल किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ाकअल्लाह खैर। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा मोहम्मद उमर शेख यूसुफ को कि वो आए और हदीस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आपके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप गौर से सुने और इस पर अमल करें।
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان على الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله وبه سبحان الله وبه عظيم سبحان الله عظيم رواه المسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں زبان پہ ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت پیارے وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم اللہ پاک تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ اللہ پاک عظمتوں والا اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں آواز دوں گا ریحان الدین ایوب الدین پٹیل صاحب کہ وہ آئے اور اپنی حدیث پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال رواہ المسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کی کتاب پہ نقل کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں آواز دوں گا شیخ عمار شیخ جاوید کو کہ وہ آئے اور حدیث پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال رواہ المسلم. ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کھاتا ہے رواہ المسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ کچھ چند بچے تھے جنہوں نے آپ کے سامنے احادیث پیش کی، اور یہ حدیث پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک حوالہ دے رہے تھے کہ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اتنی آسانی دی ہے کہ ہمارے پاس تمام احادیث کی کتابیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان احادیث کی کتابوں کو قرآن مجید کو کھولنے سے، اس کو پڑھنے سے بہت پیچھے. یہ جو حدیث کی کتابوں کے نام بچے یہاں پر لے رہے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت سارے ہیں. انہوں نے اپنا علم کیسے حاصل کیا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ شیخ البانی جنہوں نے احادیث کی کتابوں کو جمع کیا اور اس میں سے صحیح احادیث کو اور ضعیف احادیث کو اور جھوٹی احادیث جو تھی ان کو الگ نکال دیا. انہوں نے اپنے دور کے اندر علم کیسے حاصل کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کتابوں کی دکانوں کے پاس جایا کرتا تھا اور وہاں پر جو خالی اوراق پڑے رہتے تھے، جو بلینک پیج پڑے رہتے تھے، ان کو جمع کر کے رکھتا تھا اور اس کے اوپر احادیث کو لکھتا تھا. اور کبھی میرے پاس وہ اوراق پیج میرے پاس ختم ہو جاتے تھے تو میں اپنے گھر کے اندر مٹی کے اوپر احادیث کو لکھتا تھا اور ان کو یاد کر کے رکھتا تھا. اس مشقت سے، اس مشکلات سے ہمارے تک کہ ان لوگوں نے، علماء نے، سلف صالحین نے اس دین کو پہنچایا. لیکن آج اگر ہم اس دین کو
जो अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारे ऊपर भेजा है, हमारे ऊपर दिया है, अगर हम इसको ना संभालें, ना इसके ऊपर अमल ना करें, तो अल्लाह सुबहाना ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम इस दीन से फैर जाओ, तुम इस इस्लाम से फैर जाओगे, तो अल्लाह सुबहाना ताला तुम्हारे ऊपर दूसरी कौमों को लाएगा जो अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। आज हमारे पास में, हमारे बच्चों के पास में तमाम चीज़ों के लिए वक्त है, लेकिन वक्त नहीं है तो सिर्फ मदरसे के अंदर दीनी तालीम हासिल करने के लिए वक्त नहीं, जबकि ये असल सौदा है, ये आखिरत का सौदा है। अगर हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं सिखाएंगे, दीनी इल्म नहीं देंगे, तो अल्लाह सुबहान व तआला हमारे जैसे हमारे तरफ से हमारे दूसरे लोगों को लाएगा कि वो दीन का इल्म फैलाए, और अल्लाह सुबहान व तआला ऐसे लोगों को ला भी रहा है कि कोई हिंदू था, कोई ईसाई था, अल्लाह ने उन्हें दीन की समझ दी और आज वो दुनिया के अंदर दीन फैला रहे हैं। तो मदरसे की अहमियत आपके सामने वाज़ह है।